हेलो हेलो बाबर भैया, क्या मेरी आपको आवाज पहुंच रही है? हेलो हेलो, जल्दी बता बाबर भैया, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है भूतनी के? हाँ भाई रोहित शर्मा, आपकी आवाज पहुंच रही है। अबे बता, भूतनी वाले हमें फोन क्यों करता है, क्यों तंग करता है हमें बार बार फोन कर? हमने क्या आपका बिगाड़ा है? अबे अगले मैच की तैयारी कर ले, नहीं तो धो देना है। पहले भी बारिश की वजह से बच गए थे भूतनी वालों, इस बार हमसे नहीं बच सकोगे। अरे बाबर भैया, मैं इसलिए आपको फोन कर रहा हूँ कि हमने नेपालियों को हरा दिया। एक मैच आपने नेपाल को हराया, दूसरा हमने हरा दिया। अब आपकी हारने की बारी है। शुक्र करो पहला मैच बारिश की वजह से बराबर हो गया, नहीं तो वही मैच हमने आपको हरा देना था। अब क्या करें, अब कुछ दिनों के बाद एक और हमारा, तुम्हारा मैच, फिर तैयार होकर आना, तेल से लगा के आना बाबर भैया। अरे भूतनी के रोहित शर्मा के बच्चे, चुप करके भेजा, नेपाल को हरा दिया तो क्या हो गया? हमें हराओ ना, पता चले फिर पता चलेगा आप कितने पानी में हो। पहला भी आप मैच बारिश की वजह से बराबर हो गया। अगर बारिश ना होती तो वही हमने आपको पहल देना था, पता चल जाना था कि पाकिस्तानी टीम में कोई आम टीम नहीं है। पर क्या करे, बारिश आपका साथ दे देती है। पता नहीं ऊपर से किस्मत अच्छी है या खुद बस बस साथ बरसा लेती है भूतनी वालों। अरे बाबर भैया, अगर मैंने चुप करके बैठना होता तो मैं आपको फोन क्यों करता? क्या आलू लेने के लिए मैं आपको फोन करता हूँ? आपको होशियारी के लिए फोन कर रहा हूँ कि तैयार हो जाओ, तेल से लगा लो, हम इंडिया वाले आ रहे हैं, बहुत जल्द आपको हराने, फिर पता चलेगा। अरे भूतनी के, चुप करके बैठ रहे, आपके कहा आलू लेने की नहीं है, आलू की क्यों बेइज्जती कर रहा है? आलू भी इज्जत दाल है, पर आपकी तरफ बेइज्जत नहीं है जो हार कर भी इतनी बातें करे। अबे चुप करके बैठ रहे, अब दोबारा हमें ना फोन करना, दिमाग खराब ना करना हमारा। अब जैसे फनी वीडियो थी लाइक करे और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज।